चैनल रीजन ईटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ये कैप लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही प्यारी सी कैप है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बिगनर्स फ्रेंडली है। देखने में लग रही है कि ये काफ़ी हार्ड होगी। देखिए फुल पैटर्न बनाया है मैंने इसमें, फुल डिज़ाइन और लोवर देखिए इस तरह से। और इसका जो साइज़ है आपका आराम से 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को ये बहुत आराम से आएगा। साढ़े इवन आपके बच्चे का जो माथे का सरकमफ्रेंस कम है तो साढ़े मतलब 4 साल तक भी यह आ जाएगा। और लेंथ जो है काफ़ी सफिशियंट लेंथ मैंने इसकी बनाई है, आराम से 3-4 साल के बच्चे को आ जाएगी। वूल इसमें ज़्यादा नहीं लगी है, 50 ग्राम वूल लगी होगी, 50 ग्राम से जहाँ तक है कमी लगी होगी, अप्रॉक्स 50 ग्राम लगी होगी। ठीक है, मैं एक आइडिया दे देती हूँ, मेरे पास वेट मशीन नहीं है जो मैं वेट करके बताऊँ आपको। और जो यहाँ पे देखिए 1x1 का बॉर्डर बनाया है, पैटर्न बनाया है, आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है, 10 9 नंबर की मैंने इस पर सिलाइयाँ यूज़ की हुई हैं, मैंने आगे बताया है। और 4-ply वूल है, नॉर्मल वूल मैंने यूज़ की है। तो चलिए फिर इसका वीडियो देख लेते हैं। और वीडियो देखने से पहले एक बात और आपसे बोलनी थी कि अगर आप क्रोचेट बिगनर्स हैं, क्रोचेट सीखना चाहते हैं, क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हैं या क्रोशिया के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। मेरा दूसरा चैनल है क्रोशिया का, क्रोचेट एडिक्शन। तो आप मेरे उस चैनल को विजिट जरूर करें एक बार और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यहाँ मैं निटिंग सिखाती हूँ, अगर आपको मेरे निटिंग के प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आपको क्रोशिया के प्रोजेक्ट भी अच्छे ही लगेंगे, डेफिनेटली मुझे यकीन है। आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा और वहाँ पर भी मैंने क्रोशिया के बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न डाले हुए हैं कि इनवानिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आप अगर आप बिगनर्स भी हैं जो सीखना भी चाहते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए भी मैंने वहाँ काफ़ी वीडियोस डाले हैं, जैसे कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जो क्रोशिया को किस तरह से पकड़ते हैं, सारा डाला हुआ है मैंने। आप देखिएगा वीडियो ज़रूर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जैसे इस तरह इस चैनल को सपोर्ट किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा इस वाले को अगर पसंद आए तो। अब देख लेते हैं किसको किस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, एक और कैप बताने जा रही हूँ आपको। मैं ये कैप बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ, थोड़ा सा लाइटनिंग का इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये पैटर्न यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है, बहुत सिंपल है, इवन बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी कैप शेयर कर रखी है, बहुत सिंपल सिंपल। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो वो आप वहाँ जाके देखिए। ये भी बिगनर फ्रेंडली सोच के मैंने ये पैटर्न डिज़ाइन डाला हुआ है। अब देखिए स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे 90 फंदों से की है। ठीक है, 90 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। और ये देखिए नॉर्मल वूल ली है मैंने रेड कलर की। ठीक है, और 4-ply वूल है और जो निडल है मैंने 9 नंबर की ली है। ठीक है, 3.75 mm। और एक उल्टा एक सिरे का मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। देखिए आप देख सकते हैं 1x1 की रिब बनाई है। उसके बाद जस्ट ये बॉर्डर बनाने के तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए बॉर्डर मैंने कितना बनाया है, 1.25 इंच का बनाया है मिनिमम, बस इतना है ना, 1.25 इंच के आसपास बनाया है। बच्चे की कैप है तो ज़्यादा बॉर्डर भी अच्छा नहीं लगता, बड़े लोग की कैप हो तो आप 1.5 2 इंच तक ले जा सकते हैं, 2 इंच तक भी चल जाता है, लेकिन ये बच्चे का कैप है तो इसमें इतना ही बॉर्डर ठीक रहता है। और सिलाइयों की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बनाई हैं। ठीक है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधे की दोनों तरफ से। उसके बाद मैंने ये पैटर्न स्टार्ट किया है। अब मैंने ये किस तरह से बनाया है, 90 फंदों पे बनाया है, लेकिन मैं जैसे कि सैंपल 90 फंदों पे अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी पूरी पूरी लाइंस तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे ही ये वीडियो निटिंग के जो वीडियोज होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इसलिए मैं इसको सैंपल पे बताऊंगी आपको अभी 10 फंदों पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 10 फंदे पे बनाना बताऊंगी। लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से मैं आपके बताने के लिए आपको दूसरा कलर चूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर पे थोड़ा सा क्लियरली नहीं समझ में आएगा, तो ये देखिए थोड़ी सी लाइट ज़्यादा वाइट आती है उस पर, फ्लैश ज़्यादा पड़ता है, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल दूसरे कलर पर बताऊँगी। ठीक है, लाइट कलर पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं। यस, एक फंदा देखिए इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे और देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये तो मैं आपको बॉर्डर बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से इसे हम एक तरफ हटा देते हैं। अब देखते हैं, उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे,
इस तरह से। फिर देखिए, अब हम सीधी तरफ है तो लास्ट का फंदा तो हम सीधा ही बनाएंगे, चाहे उससे पहले हमारे पास सीधा फंदा आया हो, लेकिन लास्ट का फंदा हम सीधी तरफ से सीधा ही बनाते हैं, एज स्टिच होता है वो। ठीक है, अब रॉन्ग साइड से हम दोनों फंदे जो है स्टार्टिंग के और लास्ट के उल्टे ही लेते हैं। ये देखिए, अब लास्ट ये जो फंदा हमारे, अब यहाँ पे जो जैसा फंदा दिख रहा है हम वैसा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें उल्टा फंदा दिख रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए, इसके धागा पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा दिख रहा है इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे जाएगा एक फंदा, सॉरी गाइस, धागा पीछे जाएगा एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा आएगा। ये देखिए, दो सिलाइयां हमने निकाली बॉर्डर की। यहाँ पे देखिए इस तरह से, नजदीक से देखिए, ठीक है ठीक है। इसी तरह से हमें मैंने अभी दो सिलाइयां बनाई, 10 सिलाइयां बनानी है। ठीक है, 10 या 12 आप कितनी भी बना सकते हैं। देखिए, ये फंदा सीधा है, इसको सीधा, ये उल्टा है, इसको उल्टा, इसी तरह से बनाएंगे। अब हम पैटर्न शुरू करेंगे अपना। अब देखिए, इस तरह से हमने ये पैटर्न, ये बॉर्डर डाल लिया, बॉर्डर बना लिया। देखिए, मैंने ये 4 सिलाइयों का बनाया है यहाँ पे आपको सैंपल पे, वैसे मैंने ये 10 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम अपने ये पैटर्न डालेंगे, ये वाला, ये जो डिज़ाइन है ये वाला डालेंगे। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है बस। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ठीक है, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, ऐसे ही डालना है आपको अपने कैप में भी या जिस भी प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं। फिर एक फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, यानी कि स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर एक फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। अब ये लास्ट का एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे, जितना भी फंदा बचेगा उसे इस तरह से बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे, रॉन्ग साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे, ये जो स्लिप किया है फंदा वो भी हम उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए 2 सिलाई हो गई हमारी, रॉन्ग साइड से पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बना ली। अब देखिए, हम फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, तीसरी सिलाई पे अपने। अब तीसरी सिलाई देखिए, सेम पहली सिलाई की तरह ही होगी, एक फंदा तो स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा फिर स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे और ये सीधा बुन लेंगे एज स्टिच। ये देखिए, थोड़ी सी उभरी हुई लाइन आने लगी। अब रॉन्ग साइड से हम फिर से रो 2 की तरह ही बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ठीक है, स्लिप किया हुआ फंदा भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे हम। देखिए बहुत आसान है ना, आपको भी लग रहा होगा बहुत आसान है। ये देखिए, इसी तरह से आप बनाइएगा। 4 सिलाइयाँ हो गई, अब 5वीं सिलाई हम फिर से पहली सिलाई की तरह बना लेंगे, स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, फिर एक और स्लिप कर लेंगे, फिर 1 2 3, फिर इसको स्लिप कर लेंगे, एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 सिलाइयाँ तो इस तरह से बनी है। यहाँ पे देखिए, ये उभरी हुई लाइन आने लगी, ये और ये। अब 6वीं सिलाई ध्यान देना है, थोड़ा सा आसान है वो भी, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक फंदा तो स्लिप करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे आप, ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको हमने उल्टा बुनना है। ठीक है, स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाके, अब जो फंदे हमने 10-3 सीधे बुने थे, अब यही फंदे यहाँ पे इस तरफ भी सीधे ही बुनने हैं, 1 2
थ्री, जिससे कि हम इधर से सीधे बुनेंगे तो ये फंदे उस साइड उल्टे आएंगे, ठीक है। तो ये जो बीच में डिजाइन की जो धारी है लाइन उल्टे की, ये बन के आएगी ये वाली। फिर ये उल्टा फंदा है, ये स्लिप किया हुआ फंदा है धागा अपनी तरफ लेके इसको उल्टा बना लेंगे। फिर ये तीन फंदे सीधे, 1 2 3, एज स्टिच को अपनी तरफ करके धागा उल्टा बना लेंगे। देखिए ये 6 सलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई, ये देखिए पैटर्न की 6 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई और ये देखिए पैटर्न बन के आने लग गया। अब फिर से वही जो हमने 6 सलाइयाँ बनाई है सेम यही सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। एक यहाँ पे देखिए बताती हूँ, स्लिप करके 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और ये वाला स्लिप करेंगे, 1 2 3, और ये स्लिप करेंगे जिस चीज को सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, देखिए इसी तरह से ये बनेगा, देखिए कितना खूबसूरत सा बन के आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे इस गैप की। तो देखिए पैटर्न आपने सीख लिया, अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। उससे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे कि ये हमने कितना बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए देखिए हमने ये 7 इंच बनाया है। अभी जब हम क्लोजिंग करेंगे तो 1 इंच के आसपास और ये बढ़ जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग किस तरह से करेंगे, देखिएगा पांच फंदे में पहला स्लिप करूंगी, देखिए 1, डिजाइन के साथ कंटिन्यू करते हुए करेंगे, ठीक है, 2 3, ये फली वाला फंदा है इसको स्लिप करेंगे, 4, यानी कि इसे मिला के 5 फंदे हो गए, 2 4 5, ये 5 फंदे हो गए हमारे पास। अब मैं यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करूँगी, ये यहाँ से टाइट होता है तो इसको 2 का 1 इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब फिर से हम 5 काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये फली वाला फंदा इसके साथ जाएगा, 2 का 1 होगा, ठीक है, यानी कि 5 फंदे बुनेंगे फिर 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2 फंदे हैं, 2 का 1। इसी तरह से पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आ गए हैं और ये देखिए 3 4, ये पूरे हो गए 5। अब यहाँ पे आएंगे रॉन्ग साइड से, पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे जैसा कि पैटर्न में बताया है, और बिना पैटर्न के भी, या अगर हम पैटर्न सिंपल बनाते तो भी हम इसे उल्टा ही बनाते। ये देखिए पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर, साइड से मैंने कंप्लीट कर लिया रो। तो देखिए पिछली बार हमने 5 फंदे बुने थे फिर 2 का 1 किया था, अभी हम 2 4 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब हम 2 का 1 करेंगे। और एक और बात गाइस, अब हम ये डिज़ाइन नहीं डालेंगे, अब हम सिंपल सिंपल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन पे यहाँ पे ये फली गड़बड़ हो जाएगी अगर हम डिज़ाइन डालेंगे, तो इसे सिंपल बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 और देखिए 4। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आ गए देखिए 1 2 3 4 और ये हम करेंगे 2 का 1। लास्ट का फंदा थोड़ा टाइट है, देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी, पूरी रो उल्टी उल्टी ही बनेगी। तो ये वाली रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, हर बार मैं रॉन्ग साइड की रो आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लूँगी, कोई फंदा नहीं घटाना, ऐसे ही बनाना है, ठीक है, सिंपल। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
अब देखिए फ्रंट साइड से आ गई हूँ, तो पिछली बार हमने लास्ट रो में 4 फंदे बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का एक करेंगे, इसके बाद 2 फंदे बुनेंगे फिर 2 का एक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। देखिए इस तरह से 2 का एक किया, 1 2 3, फिर से हम 2 का एक करेंगे, ये देखिए इसी तरह से पूरी रो को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ये मैं फ्रंट साइड से आ गई हूँ फिर से, तो रॉन्ग साइड की रो मैंने सिंपल सिंपल उल्टी उल्टी बना ली थी। अब देखिए 2 फंदे मैं सिंपल बुनूंगी, पहला स्लिप करूंगी, 1 बुनूंगी, फिर 2 का एक करूंगी। और गाइज ये जो मेरी स्किन है काफ़ी ड्राई स्किन है, मैं मतलब इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरी स्किन ही बहुत ड्राई है, कुछ भी लगाती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा देर टिकता ही नहीं है। तो ये देखिए, चलिए बैक टू वर्क, 1 2 फिर 2 का एक, फिर 1 2 2 का एक, ऐसे ही पूरी रो बना लेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे फिर 2 का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे फिर 2 का एक करेंगे, इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1 2 2 का एक, इसे मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रो। अब देखिए हम फ्रंट साइड से आ गए, काफ़ी फंदे कम रह गए हमारे पास। अब लास्ट रो में हमने 2 फंदे सीधे बुने थे और 1 फंदा 2 फिर 2 का एक किया था, अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और ये देखिए 2 का एक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर 2 का एक करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। ये टाइट हो जाता है तो पीछे वाले फंदे को आप इस तरह से कर लिया कीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, फिर अच्छे से निकल आएगा धागा। फिर 1 बुनेंगे फिर 2 का एक करेंगे, इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे हम फ्रंट साइड से आ गए और हमारे पास देखिए फंदे भी बहुत कम रह गए हैं, बस इतने से फंदे रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हर फंदे को 2 का एक करेंगे। देखिए 2 फंदे हैं, इनको 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, 2 का एक करेंगे इस तरह से, 2 का एक करेंगे इसी तरह से, 2 का एक करेंगे, देखिए फिर से 2 का एक करेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 1 फंदा रह जाएगा, सीधा बना लेंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड से हम इसे पूरी लाइन को उल्टा बना लेंगे, स्लिप करके 1 फंदा, पूरी लाइन को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, देखिए इस तरह से। क्लोजिंग तो कई तरह से होती है, अब मैं आपको एक और तरह के तरीका बताऊंगी क्लोजिंग करने का किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैप की जो क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट जो भी कैप डालूंगी उसके वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये देखिए यहाँ पे, अब ये हमारे फंदे बंद हो गए, अब हम यहाँ पे देखिए इस कैप को इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो धागा काटेंगे हम इतना लंबा कि जिससे कि हम इसकी स्टिचिंग कर सकें, तो मैं यहाँ पे इतना लंबा धागा काट लूँगी, ज़्यादा लंबा भी नहीं काटूँगी। ये देखिए इसको हम निडिल में डाल लेंगे, देखिए इस तरह से निडिल में डाल लेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। देखिए धागा हमारी तरफ हमारे पास इस तरफ से है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये धागा लगा हुआ है, यहाँ से देखिए हम एक एक फंदा इस तरह से फिर ओके निकालेंगे, सभी फंदे हम सुई पे ले लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये
टाइट कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये सुई, ये सलाई निकाल देंगे हम यहाँ से और एक राउंड और ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिससे कि यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये क्लोज हो गया। अब हम यहाँ से लेके ये इस तरह से, जहाँ से ये ओपन पार्ट है, ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, ठीक है। मैं फ्रंट साइड से ही सिलूंगी यहाँ पे। पहले तो मैं इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगी थोड़ा सा। इस तरह से बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। आप कैसे भी सिल सकते हैं, कैसे भी, जैसे भी आपको सिलना हो और जैसे भी आपको सिलना आता हो, कैसे भी सिल सकते हैं। सिलने का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह से ही सिलें। ये देखिए, तो मैं आपको इसको सिलने के बाद कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कैप बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी क्लोजिंग कर दी है। ये मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगाई है, बिल्कुल भी देखिए पता नहीं चल रही होगी आपको। ये वाली जो लाइन है, ये वाली इसकी देखिए जॉइंट वाली लाइन है। तो देखिए आप इसे फ्रंट साइड से देखिए, मैं आपको इसको बैक थोड़ा सा क्लोज से दिखा देती हूँ, फुल बैक दिखा देती हूँ। अब देखिए इसका आप फुल लुक देख लीजिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी कैप है ये। और इतने आसान तरीके से बन जाती है ना ये डिज़ाइनर कैप, बहुत ही प्यारी लग रही है बनने के बाद। और इसका देखिए आप यहाँ पे गोलाई देख लीजिए, कितना अच्छा राउंड बन के आया है। और देखिए सॉफ्ट, तो ये स्ट्रेचेबल तो ये बहुत होती है। यहाँ पे देखिए मैं अपने दोनों हाथ डाल ली हूँ और इसको फुल स्ट्रेच कर रही हूँ। और मेज़रमेंट अगर मैं इसकी चौड़ाई का बताऊँ तो वैसे तो 7 है, सरकमफ्रेंस इसका 14 आएगा, लेकिन आप देखिए इसको स्ट्रेच करके 20, तो जिसका मतलब ये काफ़ी आराम से आ जाएगी, 3 साल तक के बच्चे को तो बहुत आराम से आएगी। और लेंथ इसकी देखिए 8.5 इंच हमें मिल जाती है, ठीक है, यानी कि 1.5 इंच इसकी लेंथ बढ़ गई है क्लोजिंग के बाद। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है, आप भी बनाइएगा इस कैप को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से और सबसे पहले मिल जाएं। इसी तरह से और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ विंटर्स आ रहे हैं, लेकर आने वाली हूँ मैं, क्रिसमस के प्रोजेक्ट्स लेके आने वाली हूँ मैं। और मेरा एक क्रोचेट चैनल और है, वहाँ पर मैं क्रोसिया के क्रिसमस के प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी। आप जैसे क्रोशिया के क्रिसमस बेल और क्रिसमस रिंग वगैरह, जो भी ट्री वगैरह होते हैं, वो सारे वीडियोस मैं उस पर डालूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप वीडियो देखना चाहते हैं क्रोशिया के और सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे उस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे दूसरे चैनल का लिंक, तो एक बार आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें जिस तरह से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी के साथ, क्योंकि जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों की हेल्प हो सके, जो कोई भी आपकी तरह बिगनर्स है वो भी थोड़ा सा डिज़ाइनर कैप बना सकें। देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है ये, पैटर्न अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर आप इसमें कोई भी बेबी सेट या बच्चे का पूरा फुल सेट बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, यकीन मानिए। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इस पैटर्न को, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैप कैसा लगा और ये आपने जो ट्राई किया वो कैसा लगा। अगर आप और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो जितना जल्दी पॉसिबल होगा वो आपको बना के दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।